ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणि। ॐ शांति शांति शांति। महादेव आवाज जा रही है ना? हाँ साहा जी, हाँ हम लोग पंचदशी ग्रंथ के ऊपर विचार कर रहे हैं। कुछ दिन स्थगित हुआ था तो आप लोग, हाँ सुनिए सुनिए, मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा, सुनिए। हाँ मिल जाएगा आपको, सुनिए ना। 264 चलेगा, षष्ठ अध्याय के 264 नंबर श्लोक चलेगा, है ना? टू सिक्सटी फोर 264 निकालो। हाँ चलो हम लोग पंचदशी ग्रंथ के ऊपर विचार कर रहे हैं। कुछ दिन जो है स्थगित हुआ था तो पंचदशी ग्रंथ जो है प्रकरण ग्रंथ है, जो कि हमारे स्वामी विद्यारण्य मुनि ने लिखा। ऐसे तो उनके गुरुजी ने भी लिखा है, पहले शिष्य लिखा और शिष्य किसी कारण से पूरा नहीं कर पाया ग्रंथ को, षष्ठ अध्याय तक लिखे, किसी कारण से ग्रंथ पूरा नहीं हुआ तो सप्तम अध्याय से उनके गुरुजी ने लिखा। उनके गुरुजी कौन? स्वामी भारती तीर्थ महाराज, चित्रदीप प्रकरण से उनके गुरुजी ने लिखा लिखा। गुरुजी तो शंकरानंद भी थे, लेकिन जो लिखा है भारती तीर्थ महाराज, सप्तम अध्याय से जो है किसने लिखा? स्वामी भारती तीर्थ महाराज ने लिखा। ठीक है चलो, तो पहला प्रकरण क्या है मालूम है आप लोगों को? पहला प्रकरण का नाम क्या है? तत्व विवेक। तत्व का विवेक करना है अतत्व से। सुनो पहले, ऐसा नहीं बोलो। तो तत्व हो गया सत्य, आत्मा तत्व है, आत्मा सत्य, ठीक है। और अनादि काल से तत्व का मिश्रण हो गया है, अध्यास हो गया है अनात्मा के साथ, मिथ्या के साथ, जिसको भगवान शंकराचार्य ने कहा सत्या नृत्य मिथुन कृत्य। ऐसे मिश्रण हो गया है जैसे
दूध का जल के साथ हो गया, जल का दूध के साथ हो गया। हाँ, खिचड़ी पक गई मान लो, दाल और चावल एक हो गए, है कि नहीं? इसलिए विवेक करना है यहाँ पर, क्या करना है? विवेक करना है, ठीक है। दूध दूध को पी लेता है हंस, और पानी को क्या करता है? छोड़ देता है। इस बार आपको हंस बनना पड़ेगा। हाँ, तो गुरु के पास रहने पर ही हंस बन पाओगे कि नहीं? गुरु की आज्ञा का पालन करने से ही हंस बन पाओगे, आपको हंस बनना पड़ेगा। अब हंस बनने का प्रयत्न कर रहे हो पंचोदशी पढ़कर, नहीं? तो तत्व कौन हो गया? सत्य। तत्व सत्व का विवेक करना है, सत्य का विवेक करना है। कहाँ से? अतत्व से, मिथ्या वस्तु से। किससे? मिथ्या वस्तु से, ठीक है। सत्य बोलते हैं वेदांत में जो तीनों काल में रहेगा। आप तीनों काल में, तीनों अवस्था में हो, जागृत में भी हो, सपनों में भी हो और सुषुप्त में हो। और तीनों अवस्थाओं का पदार्थ व्यभिचरित है। जिसका व्यभिचार होता है कि नहीं? जिसका बाध होता है, जिसका परिवर्तन होता है, जिसका विकार होता है, उसको क्या बोलते हैं? अतत्व कहते हैं। अतत्व से तत्व का विवेक करना है, क्या करना है? अतत्व से तत्व का विवेक करना है, लेकिन आत्मा घट से भिन्न है, आत्मा पट से भिन्न है, ये तो सब जानते हैं। उसका क्या करना है? सब जानते नहीं जानते? आत्मा घट पट आदि संसार से, अनात्मा से भिन्न है, कौन नहीं जानता है? ये तो हल चराने वाला भी जानता है। जानता है कि मैं ये घट पट आदि से भिन्न हूँ? नहीं जानता है? जानते हैं सब। उसका यहाँ पर विवेक नहीं कह रहे हैं। शरीर आदि से मैं भिन्न हूँ, इसका विवेक प्रारंभ कर रहे हैं। समझ में कि नहीं? किसे? शरीर आदि से मैं भिन्न हूँ, ये विवेक है। इसी का नाम है तम पदार्थ का शोधन। किसका शोधन है? तम पदार्थ का शोधन, आत्मा का शोधन। शोधन में विवेक करना है। किसे विवेक करेंगे? शरीर आदि अनात्मा से विवेक करना है। लेकिन शरीर आदि से आत्मा का विवेक इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है, विचार के बिना नहीं होता है। क्योंकि शरीर आदि पंच महाभूत से बना है कि नहीं? इसलिए द्वितीय प्रकरण का नाम क्या है मालूम है? पंच महाभूत। कितने महाभूत है? पांच। पंच महाभूत से ये आत्मा अलग है कि नहीं? ऐसा कहने से क्या हुआ? पंच महाभूत से जो बना है ना, कौन? शरीर, है कि नहीं? ये पंच महाभूत है। तो पंच महाभूत का बना है शरीर, इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता। ऐसा में पहले सामान्य रूप से बोल दिया कि तत्व का विवेक करना है अतत्व से। किससे? अतत्व, जो आत्मा नहीं है, है कि नहीं? तो कहाँ से प्रारंभ करोगे? हाँ, करना है तो शरीर से, लेकिन शरीर अनात्मा है ये तो ज्ञान होना चाहिए पहले। ये तो शब्द मात्र हो जाएगा, मैं भिन्न हूँ शरीर से, ऐसे नहीं। ये तो शब्द हो गए। वो तोता ही बोलता है कि राम राम बोलता है, नहीं बोलता है कि नहीं? और क्या, आज का सीरियल में भी वेदांत चलता है, नहीं चलता है? वेदांत का सीरियल होता है, लेकिन सीरियल में जो रूल करते हैं ना, हाँ, वो ज्ञानी का रूल करते हैं। किसका रूल? ज्ञानी का रूल करते हैं वेदांत के सीरियल में। देखें आप लोग, एकदम ज्ञानी के बाद बोलेगा कि आत्मा असंग है, मैं शरीर नहीं हूँ, बढ़िया सुंदर बोलेगा वो सीरियल में, नाटक में। लेकिन वो जानता है कि मैं यही हूँ, मोटा हूँ, शरीर हूँ। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? वो तो शब्द मात्र हो गया। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। विचार आपको करना पड़ेगा कि शरीर से मैं कैसे भिन्न हूँ, शरीर आत्मा क्यों नहीं है। तो ये कहा कि पंच महाभूत, क्योंकि ये शरीर पंच महाभूत से बना है। ऐसे में ये विचार प्रारंभ किया, पंच महाभूत का विवेक। और पंच महाभूत से क्या होता है? शरीर होता है कि नहीं? ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता। प्रारंभ करेंगे स्थूल शरीर से,
कि स्थूल शरीरम न आत्मा, स्थूल शरीर आत्मा नहीं है। क्यों आत्मा नहीं है? कार्य होने से उत्पन्न होता है ना शरीर, शरीर उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होता है वो आत्मा नहीं होगा। इसलिए स्थूल शरीरम न आत्मा, कार्यत्वात्, कार्य होने से, उत्पन्न होने से, जैसे घट, घट उत्पन्न होता है ना, देखो युक्ति हो गई, स्थूल शरीरम न आत्मा कार्यत्वात् यथा घट, यथा घट, यथा गृहम, ऐसा समझ में कि नहीं आया? तो स्थूल शरीर में कौन सी बुद्धि हो गई? अनात्म बुद्धि हो गई। एक पांव आप आगे बढ़ाया, फिर आगे बढ़ाओ, कितने कोष है मालूम है? पांच कोष है ना। इसलिए कह दिया पंचकोश विवेक। तीसरा प्रकरण का नाम क्या है? पंचकोश विवेक। तो प्राण कह लो, स्थूल शरीर से हो गया अन्नमय कोश, ये अन्नमय कोश हो गया स्थूल शरीर। इसलिए अन्नमय कोश जो स्थूल शरीर है ये आत्मा नहीं है। क्यों आत्मा नहीं है? क्योंकि स्थूल शरीर जो अन्नमय कोश है उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है, इसलिए आत्मा नहीं है। उसका प्राणमय कोश ले लो, है कि नहीं? इसलिए प्राण न आत्मा, प्राण आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि प्राण जड़ है कि चेतन है? जड़ है ना। ये प्राण आता है जाता है, आता है जाता है कि नहीं? प्रणाम करते हो, किसका प्रणाम करते हो? प्राण का करते हो और किसका करते हो? श्वास प्रश्वास बाहर जाता है, पातंजलि योगपीठ में जाते हो, प्रणाम करते हो, हाँ कि नहीं? तो प्राण क्या है? आत्मा है। प्राण न आत्मा जड़त्वात्, ये जड़ है, चेतन नहीं है। जैसे घटपटादि मकान, ये जड़ होने से आत्मा नहीं है। इस प्रकार प्राण भी जड़ होने से क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। समझ में आया? ठीक है ना। उसके बाद मनोमय कोश हो गया, मनोमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता है। मनोमय न आत्मा, मनोमय आत्मा नहीं हो सकता है, भिकारी है। मन दौड़ता है कि नहीं? मन भिकारी है। इसलिए मन भिकारी होने से जैसे आत्मा नहीं, हाँ जैसे स्थूल शरीर में कहा ना, स्थूल शरीर भी भिकारी है, षड्भाव विकार हो रहा है। विकारी होने से स्थूल शरीर जैसे आत्मा नहीं है, मन भी विकारी होने से आत्मा नहीं है। नहीं है। नहीं है। कितने कोष हुए? तीन कोष हुए। और चौथा कोष क्या होता है? विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष भी आत्मा नहीं है कि नहीं? कभी निश्चय होता है, कभी निश्चय नहीं होता है, ये विज्ञानमय कोष है। मन बुद्धि को एकाग्र करो तो निश्चय हो जाता है, ये घट है, ये पट है। कभी कभी निश्चय नहीं होता है, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बोलते हैं ना, निश्चय नहीं हो पाता है। कभी निश्चय होता है, कभी निश्चय नहीं होता है, किसका काम है? विज्ञानमय कोश, बुद्धि। नहीं होना भी बुद्धि का काम है। बुद्धि का काम निश्चय होना और निश्चय न होना, ये बुद्धि का काम होता है। कभी निश्चयात्मिक का वृत्ति होती है, कभी निश्चयात्मिक का वृत्ति नहीं होती है। समझ में कि नहीं? कभी बुद्धि बंद हो जाती है, कभी बुद्धि तेज हो जाती है, कि नहीं? इसलिए बादाम खाते हो बोलते बुद्धि बढ़ी हुई करके, हैं? बादाम खाते हो बुद्धि बढ़ेगी, कौन बढ़ेगी? आत्मा बढ़ेगा कि बुद्धि बढ़ेगी? शंकर भस्मी क्या क्या खाते हैं आयुर्वेदिक, हैं? वो बुद्धि बढ़ेगी ये कहते हो ना, इसलिए खाते हो, कि नहीं? तो विज्ञानमय कोश भी क्या है? आत्मा नहीं, अनात्मा है। उत्पत्ति विनाशित्वात्, विज्ञानमय कोश जो बुद्धिवृत्ति है वो कभी उत्पन्न होती है, कभी उत्पन्न नहीं होती है। कितने कोष हो गए? चार हो गए। पांचवा कोष कौन है? आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश भी वृत्ति है। ये क्या है? वृत्ति विशेष, मोद प्रमोद आमोद, मोद प्रमोद आमोद। लड्डू सुंदर मिल गया
तो मोद हो गया। हाँ बहुत अच्छा है, सच में ना, थाली में डाल दिया तो प्रमोद हो गया, इसको कहते हैं प्रमोद, बढ़ गया ना, और मुंह में डाल दिया तो आमोद हो गया, इसको कहते हैं आनंदमय। तो आनंदमय कोश न आत्मा, ये भी आत्मा नहीं है, क्यों, वृत्ति होने से, वृत्तित्वात्, जैसे मनोवृत्ति है कि नहीं, वो जैसे आत्मा नहीं है, इस प्रकार जो आनंदमय कोश वृत्ति है सुख विशेष, हाँ वो भी आत्मा नहीं है, हो गया, इसको कहते हैं शोधन। और चौथा प्रकरण क्या है, द्वैत, सारा का सारा जो द्वैत है, द्वैत में जब तक मिथ्यात्व बुद्धि नहीं है फिर अद्वैत में निष्ठा नहीं बनती है, समझ में कि नहीं है ना, द्वैत में जब मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होती है भाई ब्रह्मा अद्वैत संभव है, ये कहाँ से होगा, द्वैत में यदि मिथ्यात्व बुद्धि हो जाए तब हाँ ब्रह्मा अद्वैत हो सकता है, इसको कहते हैं मनन, क्या कहते हैं, मनन, समझ में आया कि परब्रह्मा अद्वैत है, हाँ एकम श्रुति बोलती है कि एकम एव अद्वितीयम, समझ में आया कि नहीं, जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है, ऐसा जो अद्वितीय ब्रह्मा संभव है, क्यों संभव है, द्वैत मिथ्या होने से, क्या होने से, द्वैत मिथ्या होने से आत्मा जो ब्रह्म है वो क्या है, अद्वितीय है, इसलिए चौथे प्रकरण का नाम क्या है, द्वैत, द्वैत विवेक, चौथा प्रकरण का नाम क्या है, द्वैत विवेक, ठीक है ना, इसलिए हाँ द्वैत बुद्धि को जो छोड़ देंगे, द्वैत बुद्धि को जो छोड़ देंगे मतलब द्वैत में जो मिथ्यात्व बुद्धि हो जाए तो अद्वैत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, मेरा स्वरूप ब्रह्म है, इसी को कहते हैं मनन, क्या कहते हैं, इसी का नाम मनन, मनन से हैं जो शास्त्र का प्रतिपाद्य है वो संभव है, मनन से संभावित ज्ञान होता है, निश्चय नहीं होता है, मनन से भी निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता है, मनन करने से कौन सा ज्ञान होता है, संभावित ज्ञान, समझ में है ना, हाँ इसलिए उत्कट अन्यतर कोटिक संशय संभव, इसको कहते संभव, उत्कट अन्यतर कोटिक संशय संभव, संभव ज्ञान होता है मनन से, मनन भी एक प्रकार से संशय है, निश्चय नहीं है, लेकिन एक में उत्कट ज्ञान होगा, क्या होगा, हाँ जैसे कह दिया सर्वम खलविदम ब्रह्म, शास्त्र क्या बोलते हैं, सब कुछ ब्रह्म है, एक हमको सारा संसार दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ब्रह्म कैसे हुआ, एक शास्त्र में आपके निष्ठा तो है, निष्ठा होने से आपको ज्ञान तो है सामान्य रूप से, कोई शास्त्र कह रहा है कि ये सब कुछ क्या है, ब्रह्म रूप है, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं मानती है, है ना, हमारी श्रद्धा तो है अद्वैत वेदांत में, लेकिन हमारी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही है कि भी सारा संसार हमको दिखाई दे रहा है तो सब कुछ ब्रह्म कैसे होगा, ये क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मनन जब करोगे हैं युक्ति आदि से गुरु के शरण में जा करके, तो आप क्या युक्ति विचार करोगे, भाई देखो दिखाई देने पर भी सत्य नहीं होता है, दिखाई देने पर भी सत्य नहीं होता, जैसे सपना हो गया, रज्जु में सर्प हो गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, सपना दिखता है कि नहीं, सपना में कह रहा हूँ मैं, तो दिखाई देने पर सत्य होता है क्या, सत्य जैसा वहाँ पर लगता है लेकिन सत्य नहीं होता है, इस प्रकार जागृत में भी दिखाई दे रहा है लेकिन सत्य ये नहीं है कि नहीं, इसलिए प्रपंच मिथ्या होने से ब्रह्म अद्वितीय संभव है, इसको कहते हैं मनन, आ गया, लेकिन द्वैत मिथ्या है इसलिए ब्रह्म क्या हो गया, अद्वितीय हुआ, ब्रह्म अद्वित हुआ, इसलिए मेरा स्वरूप ब्रह्म है, ये महावाक्य से होता है, किससे होता है,
महावाक्य, इसलिए पंचम प्रकरण का नाम क्या है? महावाक्य ना है, महावाक्य विवेक प्रकरण। ये देखो कितना महावाक्य है, चार महावाक्य आप लोग जानते हो, है ना? चार वेद में चार महावाक्य है, ठीक। ऐसे तो ओमकार भी महावाक्य है, सन्यासी के लिए ओमकार भी क्या है, महावाक्य ही है, लेकिन सब लोग ग्रहण नहीं कर पाते ना, ठीक। महावाक्य का अधिकारी कोई भी हो सकता है, लेकिन ओमकार का अधिकारी कोई नहीं, सब लोग नहीं हो सकते। ओमकार में अधिकार सन्यासी का होता है, और महावाक्य में अधिकार किसी का भी हो सकता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो। समझ में आई बात? सन्यासी के अलावा ओम का कोई जप नहीं, नहीं 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 कर सकते। हाँ, ओम नमः शिवाय है, इसका कारण है बताएंगे, है ना? बहुत कारण है इसमें। ओमकार का मंत्र का मंत्र की जो है ना प्रणाम की दीक्षा केवल सन्यासी को दी जाती है। किसको दी जाती है? इसका और भी कारण है, आप यदि जप करोगे ना आपको उल्टा फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? हाँ, और भी कारण है बताऊंगा मैं आपको, है ना? ऐसा है। अच्छा, और ओम के साथ जोड़ करके मंत्र होगा तो उसमें सबका अधिकार होगा। ओम नमः शिवाय इत्यादि है, उसमें अधिकार सबका होगा। हाँ ऐसा है ना, केवल ओम, केवल ओम जो। हाँ चलो। अच्छा, तो चार वेद में और भी प्रयोजन है, मैं बताऊंगा ओम के विषय में। तो कितना महावाक्य है? चार महावाक्य प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। तो आपका ऋग वेद में महावाक्य कौन? प्रज्ञान ब्रह्म, जानते हैं आप लोग। और यजुर्वेद में? आम ब्रह्मास्मि, आम ब्रह्मास्मि, आम ब्रह्मास्मि। और साम वेद में तत्त्वमसि, और अथर्व में आयमात्मा ब्रह्म, ठीक है। तो आम शब्द का क्या अर्थ है, ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है, इस सारा का विचार यहाँ पर हुआ। जितने ही महावाक्य है सबका परम तात्पर्य क्या है? अद्वैत है। कैसे में? जीव और ब्रह्म के लक्षार्थ में अभेद, इसका निरूपण करता है, ठीक है। समझ में कि नहीं? पहले तत्पदार्थ तम पदार्थ को समझे, लक्षार्थ को समझे, फिर लक्षार्थ में एकत्व ज्ञान का अभ्यास करें। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों का जो विचार चल रहा है षष्ठ प्रकरण चित्रदीप प्रकरण, है ना? क्योंकि इस जो अपना जो स्वरूप जो परब्रह्म है, ठीक है ना, वो अद्वितीय है, हाँ, वो निर्विशेष है। भाई निर्विशेष क्यों है? क्योंकि उसमें जितने भी विशेष दिखाई देता है, चित्र गुण धर्म जितने भी है, ये सब क्या है? मिथ्या है। जैसे पर्दे में तमाम प्रकार के चित्र वो जैसे मिथ्या होता है, इसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्मरूपी जो अधिष्ठान पर्दा है उसमें भी सारा का सारा जो प्रपंच है चित्र, वो भी क्या है? मिथ्या है। इसमें दृष्टांत जैसे चित्र पट का दृष्टांत दिया ना, चित्रपट, इसलिए कहा जैसे एक ही पट वस्त्र है तो एक ही है ना, और उसमें अवस्था अलग अलग होती है, जानते हैं आप लोग। हाँ, वहाँ पर बताना, धौत है, एक धौत पट, एक घटित पट, और एक लांछित पट, और एक रंजित पट, जानते हैं आप लोग। पहले कौन सा है? पहले हो गया धौत वस्त्र, एकदम सफेद स्वच्छ कर दिया, साफ कर दिया एकदम, समझ में कि नहीं? और उसमें क्या कर दिया? फिर पेंसिल ऐसे रखा बना दिया, पेंसिल से
लेकिन उसको करने से पहले वो माण लगा दिया, माण चावल का मैदे का माण लगा दिया, उसको क्या बोलते हैं, घट्टित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घट्टित। फिर उसके बाद पेंसिल से रेखा बना दिया, उसको क्या बोलते हैं, लांछित बोलते हैं। और कलर भर दिया तो रंजित हो गया। ठीक है नारायण, इसी प्रकार आत्मा में भी ऐसे हो गए। धोत वस्त्र स्थानीय कौन है? तूर्य ब्रह्म हो गए, तूर्य ब्रह्म हो गए नहीं। और घटित स्थानीय कौन हो गया? ईश्वर हो गया, माया विशिष्ट हो गए, है कि नहीं। तो माया किसकी तरह हो गया? वो माण की तरह हो गया ना, माण माण। हाँ, तो माल लगा दिया उस तो ना, उसमें रेखा बनाओगे। हाँ, इसमें अगर माया नहीं होगी तो पर ब्रह्म कैसे संकल्प करेगा कि नहीं? उसे माण नहीं लगाओगे, इसमें रेखा कैसे बनाओगे? इसमें अगर माया नहीं होगी तो पर ब्रह्म संकल्प कैसे करेगा? एकोहम बहुश्याम, मैं अनेक हो जाऊँ, है कि नहीं। तत् एक चता एको हम बहुश्याम, संकल्प कर दिया परमात्मा ने, ये माया से करेगा। फिर सूत्रात्मा प्रकट हो गए, तो सूत्रात्मा किसके स्थान पर हो गए? हाँ, ये जो है क्या बोलते हैं, लांछित, लांछित स्थानीय हो गए, केवल रहे ना। और कलर भर दिया तो क्या हो गया? विराट हो गया। कौन हो गया? विराट हो गया, है कि नहीं। तो समझना क्या है, जैसे धौत वस्त्र में सब कल्पित है, घटित भी कल्पित है, लांछित भी है, और क्या है, रंजित भी है। इसमें एक तुरीय ब्रह्म में है माया विशिष्ट ईश्वर, वो भी कल्पित सविशेष, और सूत्राता में ही कल्पित, और विराट भी कल्पित। समझ में कि नहीं? उपाधि कल्पित होने से, क्या कल्पित होने से, उपाधि कल्पित होने से, उपाधि से जो उपहित है वो भी कल्पित हो जाएगा। सुनते हैं? ये स्वप्न में एक शरीर कल्पित होने से शरीर में जो तादात्म्य करने वाला वो भी क्या होगा, कल्पित हो जाएगा। स्वप्न का पुत्र का शरीर कल्पित होने से उस जो पुत्र जैसा भास रहा है वो भी क्या होगा, कल्पित हो जाएगा। सिद्धांत समझ में आया? उपाधि मिथ्या होने से उपाधि में जो विशिष्ट वो भी क्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और सत्य कौन होगा? अधिष्ठान। स्वप्न का जो अधिष्ठान है तुरीय चेतन, वही क्या होता है, सत्य होता है। आया समझ में कि नहीं? हाँ, ये आप लोगों का चित्रदीप में प्रकरण चल रहा है। ठीक है भाई, 264 देख लो आप लोग, 264 है ना। तो 264 में करेंगे तो ज्ञान क्या करता है, ग्रंथि का भेदन कर देता है ना। मिथ्या वस्तु के साथ अधिष्ठान ब्रह्म का जो अध्यास हुआ है, इसको कहते हैं ग्रंथि। विद्यते हृदय ग्रंथि, ग्रंथि बोलते हैं अध्यास को। ज्ञान क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है। 264 मेरे ख्याल से हो गया था, हो गया था 264। 65 से करेंगे, कहाँ से करेंगे, 265 देखो, 68 चल रहा है, नहीं 65 से करेंगे, 65 से करेंगे। चिदात्मनो असंगतस्य एक रूपत्वात्, 265, जो चित स्वरूप जो आत्मा है वो तो क्या है भाई, असंग है। वो क्या है? असंग है। अपना स्वरूप जो असंग है, असंगो ही अयम पुरुष, आपका स्वरूप असंग है। असंग होने से क्या होगा, एक रूपत्व, एक रूप, एक स्वरूप होगा। कूटस्थ चेतन का स्वरूप एक ही होता है, परिवर्तन नहीं होता है। सुनते हैं ना, कौन एक स्वरूप, अधिष्ठान चेतन स्वरूप, असंग होने से एक स्वरूप होगा, कूटस्थ एक स्वरूप होता है। ठीक है भाई,
इसलिए कह रहे पूर्वम अपि भाई जिसका स्वरूप एक ही है कुटस्थ है, ज्ञान होने के बाद कुटस्थ होगा कि ज्ञान होने से पहले कुटस्थ होगा, क्या कह रहे हैं? जिसका स्वरूप एक है वो ज्ञान होने से पहले असंग होगा कि ज्ञान होने के बाद असंग होगा? पहले से असंग है, पहले से असंग है, ठीक है। जैसे पर्दे में चित्र, चित्र दिखने से पहले पर्दा अद्वितीय है कि चित्र देखने के बाद अद्वितीय है? अथवा चित्र जाने के बाद, समझ लो चित्र होने से पहले पर्दा अद्वितीय है कि चित्र जाने के बाद है, क्या कह रहे हो? अरे चित्र हो या ना हो, पर्दा तो पर्दा ही होता है, पर्दा तो है। ऐसा नहीं कि चित्र जाने के बाद होगा, ऐसा है क्या? चित्र चाहे हो चाहे चित्र ना हो, आएगी नहीं आया? इसमें अगर आपको अपना ज्ञान हो या ना हो, आपका स्वरूप क्या है? असंग है। फिर ज्ञान क्या करता है? फिर खाली अविद्या का। हाँ पूर्व पक्षी कह रहा है ज्ञान तो, सुनो ना पहले, ऐसा ना बोलो, सुनो पहले, है ना। पूर्वम अपि कामादि बाधो नास्ति, है ना, इति संकते, है ना। पूर्वम अपि कामादि बाधो नास्ति, काम क्रोध आदि जो होता है ना, वो तीनों अवस्था में आत्मा में है ही नहीं। काम क्रोध आदि कहाँ पर है? मन में है, आत्मा में नहीं है, समझ में कि नहीं है, है ना। इसलिए ज्ञान आपका क्या हो गया? व्यर्थ हो गया, है कि नहीं भाई? ज्ञान होने से पहले भी यदि आत्मा असंग है तो ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। फिर ज्ञान के लिए प्रयत्न करना वो भी व्यर्थ हो गया। कौन कह रहा है ये? पूर्व पक्षी कह रहा है, ठीक है, चलो। इति संकते 65 नंबर में, ग्रंथि भेदात पुरापेव, मिति चेतन विस्मर, अयमेव ग्रंथि भेदास, तव तेनाकृति भवान। पढ़ो। तन्न विस्मर, बोलते हैं भी ग्रंथि भेदात पूरा अपि, ग्रंथि बोलते हैं अध्यास को। ग्रंथि क्या है? अध्यास। अपने स्वरूप को न जानना से अध्यास होता है ना। ग्रंथि का भेदन होने से पहले भी, एवं आत्मा का स्वरूप तो असंग ही है कि नहीं? हाँ, काम क्रोध आदि का शरीर आदि के संबंध है ही नहीं आत्मा के साथ। ज्ञान होने से पहले भी आत्मा क्या है? असंग है। आत्मा असंग है। ये टिप्पणी में दिया देखो, कामादि बाध रहित तो अस्ति, है कि नहीं? काम आदि का कोई संबंध है ही नहीं, ना स्थूल शरीर के साथ, ना सूक्ष्म के साथ, ना कारण के साथ, पंचकोश के साथ भी संबंध नहीं है। तीन शरीर के संबंध नहीं है, तीन शरीर से जो पांच कोश है ना उसके साथ भी कोई संबंध नहीं है, समझ में बात? धर्म के साथ भी कोई संबंध नहीं है, धर्म के साथ भी कोई संबंध नहीं होगा। जहाँ पर धर्मी का संबंध नहीं होगा वहाँ पर धर्मों का संबंध भी नहीं बनता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आया? धर्म अध्यास धर्मी अध्यास पूर्वक होता है। अग्नि के साथ लोहे का संबंध हो तो लोहे का धर्म अग्नि में दिखेगा, नहीं समझ में? हाँ, लोहे का धर्म अग्नि में दिखता है और अग्नि का धर्म लोहे में दिखता है, लेकिन दोनों का संबंध पहले बने तो किस किस का? लोहे का और अग्नि का। इसी प्रकार आत्मा का पहले संबंध बनेगा शरीर आदि के साथ, तब शरीर का धर्म कहाँ पर दिखेगा? आत्मा में दिखेगा, लेकिन शरीर आदि के साथ तो आत्मा का संबंध बनता ही नहीं है, समझ में? इसलिए आत्मा
पहले से ही असंग है इति चेत। तो तात्पर्य क्या हुआ, ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञान को प्राप्त करना व्यर्थ हो गया, समझ में कि नहीं। इति हाँ चेत, ऐसा यदि कहा जाए तो गुरु जी कह रहे हैं बहुत अच्छा तुमको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया ऐसे ही समझा करो, गुरु जी बोल रहे हैं। तो जितना तुमको समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा, इसको ना भूलो तब ना विस्मरा इतना जो तुमको समझ में आया ना, इसको तुम कभी भी ना भूलो गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं, देखो ना विस्मरा इसको तुम भूलो मत। गुरु जी का काम इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है कि नहीं, जो समझ में आता है गुरु कृपा से हाँ उसमें और आशीर्वाद देते हैं, ठीक है अच्छा है आगे बढ़ो। हैं न विस्मर अयमेव ग्रंथि भेद, इसी का नाम है ग्रंथि का भेदन। किसी का नाम ग्रंथि का भेदन है कि मैं तो नित्य असंग हूँ, मैं तीनों अवस्था में क्या असंग हूँ, असंगो ही अयम पुरुष है कि नहीं, समझ में आया। ऐसा जान लेना ही ग्रंथि का भेदन होगी और क्या है, समझ में ये बात को। हाँ जैसे दृष्टांत देते हैं, माला माला है ना गले में, माला गले में है और जो दादी माँ रो रही है, कहाँ माला खो गई शादी में जाना है कि नहीं। तो जान लिया तो क्या हो गया, अज्ञान रहेगा, अज्ञान की निवृत्ति क्या है, ज्ञान हो गया तो अज्ञान की निवृत्ति होगी और क्या होगी है कि नहीं। अज्ञान के निवृत्ति के लिए कुछ करना पड़ता है क्या, अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो अज्ञान का नाश हो गया, अपने स्वरूप को जान लिया तो अध्यास की निवृत्ति क्या स्वाभाविक है। जैसे दुख की निवृत्ति बोलते हैं ना, दुख को निवृत्त करना क्या है, अपने स्वरूप को जान लिया तो दुख की निवृत्ति हो गई, समझ में कि नहीं। मेरे में तो दुख तीनों काल में है ही नहीं है ना, इसलिए दुख की निवृत्ति आत्मा का क्या है, स्वरूप है वो, क्या समझ में आया। हाँ जैसे परमानंद की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति ये आत्मा का क्या है, स्वरूप है वो, ऐसा जान लेना ही अध्यास की निवृत्ति और कुछ नहीं है। ये बहुत सुंदर बोल रहे, देखो समझ में ये बात। हाँ देखो क्या बोल दिया, अयमेव ग्रंथि, आत्मा नित्य असंग है, इसी बात को नहीं भूलना, यही है ग्रंथि का भेदन, बस है कि नहीं। ज्ञान हो गया तो ग्रंथि का भेदन क्या होगा, स्वाभाविक है, कुछ प्रयत्न करना नहीं पड़ता है। रस्सी को जान लिया तो सर्प की निवृत्ति क्या है, स्वाभाविक है, कुछ प्रयत्न करना पड़ता है क्या। हाँ दूसरा कोई प्रयत्न करना पड़ता हो कि नहीं, तब तो क्या वो स्वाभाविक नहीं होगा, ऐसे में कि नहीं। हाँ यही वेदांत का फल होता है, ठीक है ना। इसलिए वेदांत का फल क्या है, नित्य है, स्वाभाविक फल की प्राप्ति, नैमित्तिक फल की प्राप्ति नहीं है ठीक है नारायण, बहुत सुंदर। देखो अयमेव ग्रंथि वेद, तब आ ग्रंथि का भेदन हो गया तो कृतकृत्य हो गए तुम, बस अध्यास की निवृत्ति होगी तो कुछ करना पड़ता है क्या, कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता है। कृतकृत्य हे जनक, तुम तो कृतकृत्य हो गए, अभयम भाई जनक को प्राप्त हो से, तुमको ज्ञान हो गया तुम अभय पद को प्राप्त कर लिए और कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। हाँ यही ज्ञान का फल होता है, कृतकृत्यता की प्राप्ति यही ज्ञान का फल और कोई दूसरा फल नहीं है, ठीक है भाई। चलो तेना कृति भवान, ऐसे ज्ञान से ग्रंथि का भेदन हो गया, इस ग्रंथि का भेदन से तुम क्या हो जाते हो, कृति भवान, तुम कृतिकृत्य हो चुके हो और तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, यदि शिष्य कोई आ जाएगा तो उसके लिए उसको निराधार नहीं करना है कि नहीं। ये गुरु आदेश देता है शिष्य को, हाँ शिष्य को ज्ञान हो गया गुरु कृपा से, जब आज्ञा लेता है तो क्या बोलता है गुरु, देखो तुमको ज्ञान हो गया, तुम कृतकृत्य हो गए, लेकिन तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे शरण में यदि कोई शिष्य आता है
उसका तुमको क्या नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई। ये बोलते तेना कृत तेना कृति भवा। आगे बढ़ते थोड़ा सा। एवं विध बोधस्य एव ग्रंथि भेदत्वेन अस्माभिर अविधीयमानत्वात्। इस प्रकार जो ज्ञान हो जाना यही ग्रंथि का भेदन है। प्रकाश होने मात्र से ही अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, ज्ञान होने मात्र से ही ग्रंथि का भेदन हो जाता है कि नहीं। इसलिए अयम एव ग्रंथि भेद अस्माभिर अविधीयमानत्व, यही हमारा ग्रंथि का भेदन है, इसको हम स्वीकार करते यही मानते हैं, ठीक है भाई। हाँ, इदम चौद्यम अस्मद अनुकूलम। तुम जो ये आक्षेप करते हो ना, आरोप करते हो, क्या आरोप करते हो कि आत्मा तो नित्य असंग है। आत्मा क्या है? नित्य असंग है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान को प्राप्त करना तो व्यर्थ हो गया। एक तो आक्षेप करते हो ना, ये तो हमारे लिए अनुकूल है। हमारे लिए क्या है? अनुकूल। सुनते हैं कि नहीं? आत्मा नित्य असंग है। आत्मा नित्य असंग होने पर भी उसकी अनुभूति नहीं हो पाती ना। क्या नहीं हो पाती? अनुभूति नहीं हो पाती है शरीर में अध्यास के कारण। ज्ञान क्या करता है? अध्यास को केवल दूर कर लेता है, दूसरा कुछ ज्ञान नहीं करता है, ठीक है भाई। आगे देखो, अर्थात ज्ञान का फल नित्य है। ज्ञान का फल क्या है? नित्य। अनित्य फल नहीं ज्ञान का फल। कर्म उपासना का फल ब्रह्मसूत्र में ही देख रहे थे हम सुबह। हाँ, कर्म उपासना का फल अनित्य है और ज्ञान का फल नित्य, ठीक है भी। आगे 66 में देखो, एवं विध ज्ञान अभाव एव ग्रंथि। ये देखो क्या बोलते हैं, इस प्रकार का ज्ञान नहीं होना यही ग्रंथि है। इस प्रकार का ज्ञान नहीं होना, मैं तो नित्य असंग हूँ, मैं तो सबका अधिष्ठान हूँ, ऐसा ज्ञान नहीं होना, यही क्या है? ग्रंथि है, यही अध्यास है। अज्ञान से ही अध्यास होता है। हाँ, इसलिए कभी कभी अध्यास को ही अज्ञान बोल देते हैं। हाँ, इसलिए अविद्या एवं मन्यन्ते, भगवान भाष्यकार ने कहाँ पर ब्रह्मसूत्र में, ये अध्यास को ही लोग क्या बोलते हैं? अविद्या बोलते हैं। अध्यास हो गया कार्य और अज्ञान हो गया क्या है? कारण। कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है, इसलिए लोग क्या बोलते हैं? अध्यास को ही अविद्या शब्द से बोलते हैं। अध्यास अविद्या इति मन्यन्ते पंडिता। पंडित लोग विद्वान को अध्यास को क्या बोलते हैं? अज्ञान, क्योंकि अज्ञान से ही अध्यास होता है। समझ में आया? चलो 66 नंबर में, नैवं जानन्ति मूढ़ाश्चेत्। सोयं ग्रंथिर्न चापरः। ग्रंथितद्भेदमात्रेण वैषम्यं मूढ़बुद्धयोः। बोलते हैं देखो, मूढ़ाः नैवं जानन्ति चेत, जो मूढ़ व्यक्ति है ना, ऐसा नहीं जान पाते कि आत्मा असंग है, ऐसा नहीं जान पाते, उसी को कहते हैं मूढ़, है कि नहीं। तो कितने पढ़ने से होगा? कितने पढ़ने से विद्वान होगा? चाहे कितना भी पढ़ लो, यदि अपने स्वरूप को नहीं जानते हो तो मूढ़ हो। समझ में ना? तो मूढ़ की, मूढ़ का लक्षण क्या है? अपने स्वरूप को नहीं जानने वाला, यही मूढ़ है ना। ये वेदांत का मूढ़ है। वेदांत शास्त्र में मूढ़ किसको कहा जाएगा? जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है वो हो गया मूढ़, वही मूर्ख। मूर्ख कहो, है कि नहीं, यही हो गया। जैसे बालक, वेदांत का बालक क्या है? जो संसार में दौड़ रहा है उसी का नाम है बालक। पराच कामान अनुयन्ति बाला। समझ में? ये वेदांत शास्त्र में बालक किसको बोलते हैं? जो संसार में सुख ढूंढता है, संसार में दौड़ता है, उसका नाम क्या है? बालक। और वेदांत का मूढ़ कौन?
वेदांत का मूल जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है वो मूल कितना ये बड़ी है, जो पंडित हो जाए जैसे अपने स्वरूप को नहीं जानता है तो उसको क्या कहेंगे, मूल कहा जाएगा। समझ में आया, शरीर के धर्म को अपना धर्म समझ रहा है तो मूल हो गया वेदांत के लिए, वेदांत शास्त्र में, दूसरे शास्त्र में नहीं, दूसरे शास्त्र में नहीं, व्यवहार में नहीं बोलना है ऐसे। हाँ व्यवहार में बोलेंगे सब आपको मूड बोलेंगे, व्यवहार में नहीं बोलना है, लेकिन जब ये विचार जब करोगे वेदांत का तो एवं न जानन्ति मूढ़ा, ऐसा जो नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं, मूढ़ बोलते हैं। है कि नहीं? हाँ सोयाम ग्रह अपने लिए, इसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।